अस्सलामुअलैकुम, रेसिपी हब में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ KFC स्टाइल चिकन राइस बोल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है तकरीबन आधा किलो चिकन, जिसे मैंने हल्दी और विनीगर से अच्छे से वॉश कर लिया है। ये बोनलेस चिकन मैंने यहाँ पे लिया है और इसके पीसेस कुछ इस तरह से मैंने छोटे छोटे कट कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 3 से 4 लौंग और 3 इलायची, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। ये है 1 टेबलस्पून भर के चाट मसाला। 1 अंडा यहाँ पे मैंने लिया है और इसी के साथ मैंने यहाँ पे बटर लिया है, ये एक छोटा क्यूब है, सॉल्टेड बटर है। 2 हरी मिर्ची को मैंने चॉप कर लिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और 1 कैप्सिकम को मैंने इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। ये 1 नींबू का रस, और ये है चिकन पाउडर, ये भी 1 टेबलस्पून मैंने लिया है। अगर ये आपके पास नहीं है तो चिकन क्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लेमन येलो कलर मैंने यहाँ पे लिया है। 2 कप बासमती राइस को मैंने अच्छे से वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो लिया है और ऑयल हमें लेना है। सबसे पहले इस चिकन को हम मैरिनेट करेंगे, तो इसमें मैं ऐड करूंगी सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूंगी हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर यहाँ पे मैं 2 टीस्पून ऐड करूंगी भर के। यह है 1 टेबलस्पून चाट मसाला, ये हम ऐड कर देंगे। नींबू का रस, जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं 2 टेबलस्पून ऐड करूंगी। अब यहाँ पे मैं इसमें एग भी ऐड कर दूंगी। एग एक काफ़ी अच्छा बाइंडिंग एजेंट होगा इस चिकन के लिए, और जिससे कोटिंग भी जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छी बनेगी। एग को ऐड करने के बाद हम इस चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब यहाँ पे एक क्लिंग फिल्म की मदद से हम इसे कवर कर देंगे और इसे रेफ्रिजरेटर में 2 घंटे के लिए मैं रख दूंगी। आपके पास ज़्यादा वक्त है तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, जिससे कि इसका फ्लेवर और टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। तो अब यहाँ पे राइस की प्रिपरेशन में मैंने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है, गैस ऑन करके हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे ऑयल ऐड कर रही हूँ और उसी के साथ बटर भी ऐड कर दूंगी। बटर इस राइस को एक काफ़ी अच्छा फ्लेवर देगा। ये सॉल्टेड बटर मैंने यहाँ पे लिया है। इसी में मैं जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें गर्म मसाला यानी कि लौंग और इलायची ऐड कर देंगे, और इसे मैं अच्छे से चला लूँगी। अब हम इसमें जो कटी हुई हरी मिर्च है वो ऐड कर देंगे। 2 हरी मिर्च मैंने यहाँ पे ली हैं, और साथ ही साथ कैप्सिकम भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये 1 बड़ी कैप्सिकम को मैंने इस क्यूब शेप में काट लिया था। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस कैप्सिकम को फ्राई होने देंगे इस ऑयल और बटर में। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन पाउडर, या अगर आपके पास चिकन क्यूब है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फ्लेवर देगा राइस को। ये मैंने 1 टेबलस्पून भर के चिकन पाउडर लिया था। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मैंने 2 कप चावल लिए थे यानी कि 2 ग्लास चावल लिए थे, तो मैं 1.5 ग्लास पानी इसमें ऐड करूंगी, क्योंकि चावल आधे घंटे से भीग रहे थे। हम इसे ढककर तब तक पकाएंगे जब तक पानी उबलने ना लगे। अब आप देख सकते हैं पानी उबलने लगा है, तो अब हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। ये बासमती चावल मैंने यहाँ पे लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी। हमें ध्यान रखना है कि चिकन पाउडर में भी सॉल्ट है और बटर भी जो हमने लिया है वो भी सॉल्टेड है, तो बहुत हल्के हाथ से हम इसमें नमक डालेंगे, चेक करके डालेंगे। अगर ज़रूरत पड़े ना पड़े तो आप स्किप भी कर सकते हैं।
जैसे ही इस राइस का पानी जो है वो सूखने लगा है, हम इसमें जो लेमन येलो कलर फूड का हमने लिया था पानी में डाइल्यूट करके हम इसे भी ऐड कर देंगे। ये एक परफेक्ट कलर देगा इस राइस को, जो हम KFC में खाते हैं बिल्कुल वैसा लगेगा चावल। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम दम पर रख देंगे। ढककर इसे मैं नीचे एक तवा रखूंगी और इसे एक 5 से 6 मिनट के लिए हम दम पर रख देंगे, तो हमारे राइस बिल्कुल बनके तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे मैं जो सॉस बनाऊंगी चिली गार्लिक सॉस, इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। ये रेड चिली सॉस मैंने यहाँ पे लिया है, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून भर के चिली सॉस मैंने लिया था रेड चिली सॉस। ये 5 से 6 गार्लिक्स को मैंने, गार्लिक क्लोव्स को मैंने चॉप कर लिया है। ये टोमेटो केचप है जो मैंने 3 टेबल स्पून लिया था, और विनेगर। अब इस सॉस को बनाने के लिए मैं यहाँ पे लूँगी 1.5 टेबल स्पून ऑयल पैन में, और जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो मैं इसमें चॉप्ड गार्लिक ऐड करूँगी। ये 5 से 6 गार्लिक क्लोव्स को मैंने फाइनली चॉप कर लिया था, जो हम इसमें ऐड करेंगे। तेल यहाँ पे गर्म हो रहा है, तो यहाँ पे मैं इस गार्लिक को ऐड कर दूंगी। हमें गार्लिक को ब्राउन नहीं करना है, बस सॉफ्ट होने तक इस ऑयल में हमें इसे पकाना है। अच्छे से चलाते हुए मैं इस गार्लिक को सॉटे कर रही हूँ ऑयल में। इसके बाद हम इसमें रेड चिली सॉस ऐड कर देंगे। अगर आपको रेड चिली सॉस अच्छी नहीं लगती तो आप ग्रीन चिली सॉस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। कम या ज़्यादा आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो अब इसमें मैं टोमेटो केचप भी ऐड कर दूंगी, ये भी 4 टेबल स्पून मैंने लिया है। विनेगर हम आधा आधा टीस्पून या 1 टीस्पून के करीब हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे। आपको ज़्यादा खटास अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा ऐड कीजिएगा, और थोड़ा सा पानी इसमें डाल के मैं इस तरह से इसे चला लूँगी। तो हमारी सॉस जो चिली गार्लिक सॉस है वो बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी। अब चलते हैं चिकन को फ्राई करने की तरफ। तो चिकन मैरिनेट होते होते 2 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने लिया है चिल्ड वाटर। मैंने एक बोल में इस तरह से पानी जो है आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो पानी बिल्कुल ठंडा है। और मैदा यहाँ पे मैंने लिया है जिसमें हम इस चिकन को कोट करेंगे। तो इसका प्रोसीजर मैं आपको दिखाती हूँ कि सबसे पहले हम इस चिकन को मैदे में डिप करेंगे। चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है, इस मैदे से हम इस चिकन को अच्छे से कोट कर लेंगे। इस तरह से कोट करने के बाद हम इसे 3 से 4 सेकंड के लिए इस ठंडे पानी में हम रखेंगे, बस 3 से 4 सेकंड। इसके बाद हम इसे वापस निकाल के फिर से मैदे में डाल देंगे, और दूसरे हाथ से मैं इसे मैदे से फिर से कोट करूंगी, क्योंकि मेरा ये जो दूसरा हाथ है वो भीगा हुआ है, वरना सारा मैदा चिपक जाएगा। तो 2 हाथ का इस्तेमाल करते हुए हम इसी तरह से सारे चिकन को कोट करेंगे। फिर से मैं बता दूं आपको, मैं यहाँ पे 2 चिकन के पीसेस ले रही हूँ, मैदे में इसे मैंने अच्छे से कोट कर लिया है। अब हम इसे डालेंगे इस ठंडे पानी में, सिर्फ 3 से 4 सेकंड तक ही हम इसे यहाँ पे डालेंगे। फिर निकाल के हम इसे सेकंड कोटिंग देंगे मैदे की, जिससे कि इसका एक जो लेयर होगा वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी आएगा और बिल्कुल ये KFC स्टाइल चिकन जो है बनेगा। इसी तरह मैं इस सारे चिकन को, जितनी मुझे ज़रूरत है उतनी चिकन को मैं इस तरह से कोट करके रख लूँगी। पानी हमें ठंडा ही लेना है। आप देख सकते हैं मैंने इतनी चिकन को जो है कोट करके यूं रख लिया है, और ऑयल भी मैंने गर्म होने के लिए कढ़ाई में चढ़ा दिया था। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें इस चिकन को ऐड करेंगे। मीडियम हीट पर ही हम इस चिकन को फ्राई करेंगे, क्योंकि चिकन को हमें अंदर तक पकाना है। चिकन बोनलेस है और छोटे पीसेस में है, तो ये जल्दी गल जाएगा। इसके ऊपर की कोटिंग जब तक
हल्के से ब्राउन ना हो जाए और एक डिज़ायर्ड कलर में ना आ जाए, हम उसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। तो इसे हम कुछ इस तरह से सर्व करेंगे। यहाँ पे मैंने बोल में चावल निकाल लिए हैं, यानी कि राइस को। इसके ऊपर हम इन चिकन के पीसेस को इस तरह से रख देंगे। तो इस तरह से मैं इन चिकन पीसेस को इसके ऊपर रख रही हूँ। अब यहाँ पे जो सॉस हमने बनाया था वो हम इस चिकन के ऊपर और राइस के ऊपर ऐड करेंगे। ये चिली गार्लिक सॉस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है खाने में। तो आपको जितना चाहिए उतना सॉस आप इसमें ऐड करके खा सकते हैं। तो हमारा KFC स्टाइल चिकन राइस बोल बिल्कुल बनके तैयार है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।